वर्ष का नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। यूपी के बांधा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच एजेंसी ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इतना ही नहीं, मुख्तार के मुहम्माबाद स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। लखनऊ के एएसपी कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी से शत्रु संपत्ति पर कब्जा और अवैध निर्माण के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। गौरतलब ये है कि मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी। अब व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने पर मुख्तार के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। इसके अलावा ईडी ने विक्रम अग्राही और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। इतना ही नहीं, खान बस सर्विस के मालिक के यहाँ भी ईडी के छापे पड़े हैं। इससे पहले मुख्तार अंसारी पर बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें पंजाब की आप सरकार ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के रूपनगर जेल में बंद होने पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान पता चला कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वकील को लगाया था। वकील पर 11 लाख रुपए प्रति सुनवाई के हिसाब से कुल 55 लाख रुपए खर्च किए गए थे। जांच में ये भी सामने आया कि वकील ने सुनवाई न होने के दिन पर भी 5 लाख रुपए की मांग की थी। वकील के इन बिलों का आप सरकार ने भुगतान करने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।